अखिलेश यादव के साथ अब हम उस गोमती रिवर फ्रंट की सैर करने के लिए निकले हुए हैं, जिसको लेकर वो दावा करते रहे हैं कि काम बोलता है। और मेरे दाहिनी तरफ है मायावती जी की ओर से बनाया गया अंबेडकर पार्क। अखिलेश जी ने यहाँ पर बहुत काम करवाया है। अखिलेश, कैसे आप बताएंगे कि कहाँ कहाँ काम बोल रहा है लखनऊ में? देखिए, ये क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में काम हुआ, वो ऊंची बिल्डिंग जो दिख रही है लाल, समाजवादियों की बनाई हुई है, हेलीपैड है, लेकिन इस सरकार ने काम रोक दिया। ये पूरा रिवर फ्रंट जो बना है यहाँ पर जी, किसी शहर में ऐसा रिवर फ्रंट शायद ही बना हो। और क्योंकि दूसरी दुनिया के दूसरे हिस्से में जब जाते हैं तो दिखता है कि उनके शहरों में कितना अच्छा रिवर फ्रंट है और नदी साफ बहे शहर के अंदर। आ रही है यहां से वो स्मेल इसलिए आ रही है कि बीजेपी के लोगों ने केवल 900 मीटर सड़क वो जोड़ा नहीं है रिवर फ्रंट को। अगर 900 मीटर जिस दिन जुड़ जाएगा उसके बाद ये पहली नदी शहर के अंदर होगी जो बिल्कुल साफ बहेगी। इसको लेकर लेकिन बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, जांच भी चल रही है। देखिए, उनके वो जांच इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो विपक्ष को क्या दिखाएंगे, कैसे दबाएंगे इसमें। अगर कोई वजह से कुछ हुआ होगा तो इंजीनियर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और इधर अंबेडकर पार्क, इसको लेकर भी जब आपकी मायावती की सरकार थी, आपस में दोनों में दरारें और इसकी खबरें आती रहती थी, और जो हाथियां यहां पर दिखाई दे रही हैं उनके सूंड को लेकर, उनको भी लेकर आपकी बड़ी सारी टिप्पणी आई थी। देखिए, वो ये क्योंकि हम दोनों लोग अलग अलग पार्टी थे, अलग अलग लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए क्या कहना है, किस तरीके से कहना है जनता के बीच में हम लोग कहते थे, लेकिन आज वो बात नहीं है। आज साइकिल और हाथी दोनों साथ साथ हैं और दोनों मिलकर के इस देश में नई दिशा राजनीति को देने जा रहे हैं। मैडम अखिलेश जी, आपसे मेरा सवाल ये कि आज ही प्रधानमंत्री ने कहा है कि मायावती को बेवकूफ बना रहे हैं अखिलेश दरअसल, और इस गठबंधन का नतीजा क्या होगा ये 23 मई को पता चल जाएगा जब दुश्मनी पार्ट 2 शुरू होगी। देखिए, मैं ऐसा नहीं हूँ कि किसी को छोड़ दूँ। मैं प्रधानमंत्री जी को भरोसा दिलाना चाहता हूँ। मैंने पहले भी कहा था गठबंधन होने से पहले कि मुझे चाहे 2 कदम पीछे जाना पड़े, मैं गठबंधन बनाऊंगा। और मैं आज कहता हूं कि ये गठबंधन रहेगा क्योंकि आम लोग, गरीब लोगों का ये गठबंधन है। जो वो सोच रहे हैं बीजेपी के लोग कि 23 मई के बाद ये गठबंधन नहीं होगा, ये संभव नहीं है, क्योंकि वो जान गए हैं कि जनता अब गठबंधन के साथ है। आज जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। लेकिन आप ही ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आपसे करीब 2 महीने पहले मार्च में ये कहा था कि कांग्रेस के साथ स्थिति स्पष्ट नहीं है, आप गठबंधन उनके साथ करेंगे या नहीं। इन 2 महीनों में अखिलेश जी, ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस से एकदम ही कन्नी काट ली, महागठबंधन में उन्हें शामिल करने का ना फैसला किया? देखिए, कांग्रेस पार्टी अलग तरीके से सोचती है। जिस समय गठबंधन की बात चल रही थी बहुजन समाज पार्टी से मध्य प्रदेश में, उन्होंने गठबंधन नहीं किया, तोड़ दिया। उसके बाद वही कांग्रेस के लोग मुझसे बात चाहते थे कि मैं गठबंधन कर लूं। मैंने उनसे कहा कि बिना बहुजन समाज पार्टी के मैं गठबंधन नहीं कर सकता हूं। और उसके बाद 3 सरकारें जो बन गई कांग्रेस की, उसके बाद तो उन्होंने किसी को पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। और जब पीछे मुड़ के नहीं देखा तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन किया है। कांग्रेस इसमें कहीं नहीं है। कांग्रेस को केवल 2 सीटें हैं जो वो चुनाव लड़ रहे हैं, अमेठी और रायबरेली। और मैं कहना चाहता हूँ कि जब मैं उनको देखता हूँ, कांग्रेस को पलट के देखता हूँ, तो जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, और जो बीजेपी है वही कांग्रेस है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। देखिए, एक तरफ अमेठी में जहाँ प्रियंका गांधी का स्वागत आपके ही कार्यकर्ता आपके ही मन से करते हैं, वहीं अखिलेश यादव कहते हैं कि हमारी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस से अलग है। यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सपा बसपा के गठबंधन में 2 कांग्रेस को सीटें दी गई हैं, 1 रायबरेली, 1 अमेठी। और रायबरेली में अगर उन्होंने ये मांग की होगी कि हमारे कार्यकर्ताओं से आपके कार्यकर्ता मिल जाएं और चुनाव में हमारी मदद करें, वो वही कार्यक्रम था। अखिलेश एंड डिम्पल, इतनी राजनीति की बातें हो रही है, एंड आई मस्ट कन्फेस आई हैव कम हियर टू लखनऊ फॉर द फर्स्ट टाइम। इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल द इंफ्रास्ट्रक्चर। बट जब 2017 में आपने ये डिफीट फेस करा था, उसी टाइम पे यू ऑल्सो वर फेसिंग अ वेरी पर्सनल फैमिली फाइट। एंड उस दौरान मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हाउ मच ऑफ एन अखिलेश हैज चेंज फ्रॉम देन टू नाउ। मतलब उस टाइम जो आपने कोई अलग पर्सपेक्टिव से लाइफ को देखने लग गए कि आप, मतलब इतना आपने बिगर पिक्चर देख लिया है कि आप आगे होकर, आप खुद आके आकर आपने मायावती के साथ यू गॉट इनटू एन अलायंस। सो हाउ मच ऑफ दैट एपिसोड इन योर लाइफ वॉज अ चेंजिंग पॉइंट फॉर यू? मैं एक सवाल जोड़ना चाहूँगी अखिलेश जी, वो ये कि जब पारिवारिक मतभेद होते हैं और आपके खुद चाचा ने अलग पार्टी बना ली, उससे आपको नहीं लगता कि आपके संगठन
की जो छवि थी उस पर प्रभाव पड़ा, और आपने किस तरह की कोशिशें की कि वो फॉलआउट ना हो, आपके पारिवारिक मतभेद और जो पॉलिटिकल मतभेद हैं वो ना हो, कहाँ तक कोशिश थी? बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ जो हुआ, लेकिन क्योंकि आप एक बिगर गोल लेके चल रहे हैं, आपके साथ केवल एक ये दो व्यक्ति नहीं, पूरी पार्टी पूरा संगठन था साथ, और जिस समय वो बातें हुई, बातचीत हुई उस समय, क्योंकि जो हम डिलीवर कर सकते थे 5 साल में हम लोगों ने डिलीवर किया। आपको लगता है अखिलेश एट दैट टाइम जो भी आपने इतना काम करा था वो इस वजह से ओवरशैडो हो गया, मतलब काम के बारे में कम लोग बात कर रहे थे, झगड़ा के बारे में और बात कर रहे थे? आई मीन द एंटायर फैमिली अफेयर बिकेम वेरी पब्लिक, डू यू थिंक? नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा लोग नहीं सुनना चाहते, और पॉजिटिविटी वो कभी न्यूज़ नहीं है जी। मैं और डिम्पल, मुझे याद है जब सेकंड टाइम एयरफोर्स एक्सरसाइज कर रहा था एक्सप्रेस वे पर, किसी भी चैनल ने मेरा नाम नहीं लिया कि मैंने बनवाया एक्सप्रेस वे। मैं पूरे दिन देखता रहा, शायद कोई चैनल ये बता दे कि हाँ समाजवादी पार्टी की सरकार में ये एक्सप्रेस वे बना था जिसपे आज ये मिराज, सुकोई और हरकुलस उतर रहा है। नहीं, 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 वो हमने कवर करा था। मैं आपसे कह सकता हूँ इवन योर चैनल।